वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरे जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पावन और सामर्थी नाम पर आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि क्या व्यक्ति अपने कुकर्मों का फल भोगता है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो इस प्रकार है। एक व्यक्ति जो मूर्तियां बनाया करता था एक दिन पहाड़ पर चढ़ गया। एक व्यक्ति जो मूर्तिकार था वो पहाड़ पर चढ़ा और सृष्टि का आनंद लेने लगा। उसने वहां पड़े पत्थरों से एक बहुत सुंदर मूर्ति उस पत्थर को काट छांट कर बना दी और वो बहुत अच्छी लगी। वो इसी तरह वहां पर बैठकर मूर्तियां बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की चर्चा दूर दराज में होने लगी। लोग वहां पर आते उसकी मूर्तियों को खरीदते और घर ले जाते थे। कुछ समय के बाद वहां पर कुछ ऐसे सज्जन आए जो दान पुण्य करने में माहिर थे। उन्होंने कहा क्यों ना इन मूर्तियों को सजा के रखने के लिए एक भवन का निर्माण कर दिया जाए। और कुछ समय के बाद वहां पर एक भवन का निर्माण कर दिया गया। वहां पर तमाम लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए आने लगे। मंदिर के आसपास बहुत सारा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। रहने के लिए कॉलोनीज बन गई, मकान बन गए और लोग उस जगह पर रहते और कुछ ही समय में वो जगह बहुत ही फेमस हो गई। वहां पर श्रद्धालु भक्त आकर चंदा चढ़ाने लगे। उस मूर्तिकार की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करते और यूं ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक यह मूर्तिकार बीमार हो गया। वो रोगशैया पर था और लगभग अपने अंतिम दिन गिन रहा था। और ऐसी परिस्थिति में वह ईश्वर को कोसने लगा और कहने लगा कि आखिर तूने मुझे क्यों इतना दंड दिया है, मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों है। और वो यूं ही निरंतर ईश्वर को कोसते रहता और अपने भाग्य को कोसते रहता था। एक दिन ईश्वर उसे स्वप्न में दिखाई दिया और उससे बोला भले आदमी तुम मुझे क्यों कोसते हो। उसने जवाब दिया कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, मैंने आपके लिए भवन बनवाया, आपकी मूर्तियों को मैंने लोगों में भिजवाया, लोग उनको अपने घर में रखते हैं, आपकी याद करते हैं, जब वह उन मूर्तियों को देखते हैं तो वह आपकी याद करते हैं। तो ईश्वर ने कहा ठीक है तुमने सब कुछ किया, लोग तुम्हारे पास आना शुरू हो गए, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि याद करो वो दिन जब अचानक तुम्हारे पास एक गरीब बालक आ पहुंचा और उसने तुमसे रोटी मांगी, लेकिन तुमने उसे बंधुआ मजदूर बनाकर रख लिया और वो आज तक
तुम्हारे उस भवन में बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है। याद करो वो दिन जिस दिन एक भूखा भिखारी तुम्हारे भवन के द्वार पर आया, तो तुमने उसे भोजन नहीं दिया, तुमने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। याद करो वो दिन जब एक माँ अपने बेटे के साथ बरसात में भीगते हुए आई और वह भवन में थोड़ी देर के लिए आश्रय चाहती थी, लेकिन तुमने उन्हें आश्रय नहीं दिया। तुमने उन्हें कहा कि किवाड़ बंद हो चुके हैं, अब तुम जाओ, अब समय नहीं है, अब तुम कल आना। याद करो वो दिन जब एक बुजुर्ग तुम्हारे पास आया जो एक शिक्षा का मंदिर खोलना चाहता था, और उसने तुमसे कुछ धनराशि मांगी, लेकिन तुमने उसे जवाब दिया कि जाकर धनराशि सरकार से ले लो, ये काम सरकार का है, शिक्षा के मंदिर बनाने का काम सरकार का है, ये हमारा काम नहीं है। याद करो वो दिन जब एक विधवा तुम्हारे द्वार पर आई और उसने तुमसे गुजारिश की कि उसे कुछ भोजन दिया जाए या उसकी सहायता की जाए, तो तुमने उसको बंधुआ मजदूर के जैसे भवन में रख लिया। तुमने जो कुछ भी किया अपनी ख्याति के लिए किया, तुमने जो कुछ भी किया अपनी संतुष्टि के लिए किया, तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए नहीं किया, तुमने बड़े लोगों के लिए किया, और अब तुम जो भोग रहे हो ये मेरी इच्छा नहीं है, तुम तो अपनी ही करनी भोग रहे हो। इतने बुरे कामों को करने के बाद अब तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करूं, तुम्हें आशीष दूं। प्रियजनों, हमारी भी कभी कभी यही हालत होती है। हम दुनिया के 100 काम करते हैं, लेकिन वो काम हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, वो काम हमारी अपनी संतुष्टि के लिए है, ईश्वर की योजना के अनुसार शायद वो नहीं है। व्यक्ति जिंदगी की दौड़ में ऐसा खोया हुआ है कि उसे ईश्वर के लोगों की, शोषित लोगों की कोई चिंता नहीं, उनके दुख की कोई चिंता नहीं। अगर हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रियजनों वो हमारे कामों के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तुम्हारे कामों को देखकर लोग जाने कि तुम उसके अनुयायी हो, तुम्हारी बातों को सुन के लोग जाने कि तुम उसके अनुयायी हो। अगर तुम विश्वास करते हो लेकिन मेरी शिक्षा पर नहीं चलते तो तुम व्यर्थ ही ये सब काम करते हो। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे। आज का इंसान धन के पीछे दौड़ता है, आज का इंसान शान शौकत के पीछे दौड़ता है, आज का इंसान पद और प्रतिष्ठा के पीछे रहता है। इसलिए प्रियजनों, आज प्रभु हमें याद दिलाता है कि हम पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, इन सब चीजों के पीछे दौड़कर अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इनसे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक दूसरी घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो बहुत अमीर था, उसे बिल्कुल भी किसी व्यक्ति की चिंता नहीं थी और उसके पास दूसरों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। उसका पूरा समय अपने घर में चीजें एकत्र करने, बैंक बैलेंस बनाने, FDs बना के रखनी, उसी में रहता था। मैं ये नहीं कहता कि धन आवश्यक नहीं है, धन आवश्यक है, लेकिन जब तक वो आपके काम आए तब तक आवश्यक है। यदि वो आपके काम नहीं आता तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इंसान इस धन को एकत्र करता है और एक दिन अनायास ही चला जाता है, और उस धन का उपयोग एक ऐसा व्यक्ति करता है जिसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, जिसके जीवन में उस धन के प्रति कोई मूल्य नहीं है,
इसलिए उस धन से वो अय्याशी करता है, उस धन से वो पाप करता है, उस धन से बुराई के रास्ते अख्तियार कर लेता है। अगर वो मेहनत के से धन कमाए तो उसे उसके महत्व का पता चलेगा और वो ठीक उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना उसके लिए जरूरी है। बाइबल बताती है कि बुराई की सबसे बड़ी जड़ जो है वो धन है। धन अगर जीवन के व्यक्ति में प्राथमिकता ले लेता है तो प्यारे भाइयों और बहनों उसका जीवन नष्ट होने लगता है। तो ये अमीर व्यक्ति भी ऐसा ही था। इसके विषय में भी एक दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं जकेउस के विषय में। जकेउस के जीवन में सब कुछ था, पैसा था, धन था, उसका घर पूरा भरा हुआ था, चीजों से भरा था, लेकिन ईश्वर के लिए समय नहीं था, लोगों के लिए समय नहीं था। ठगी करना, कमीशन लेना, दूसरों को नीचे गिराना, बस यही काम था उसका। तो क्या उसके मन में शांति थी? नहीं थी। शांति ढूंढने के लिए वो क्या करता है? यीशु के रास्ते पर आता है, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करता है, उनको देखने की कोशिश करता है, उन्हें अनुभव करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे पास इतना बड़ा पैसा है, धन है, संपत्ति है, मैं एक बड़ा व्यक्ति हूं, अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी कोई बात भी नहीं सुनता, कोई मुझे नमस्कार नहीं करता, लोग मुझे ठग बोलते हैं। और यह व्यक्ति जिसके पास कोई झोली नहीं है, कुछ नहीं है, ना बड़ा घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, इसके पीछे लाखों की भीड़ लगी रहती है, लोग इसके पीछे ऐसे भागे फिरते हैं। ये बात उसके मन को कुरेदने लगी और वो सोचने लगा कि मैं जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर उस इंसान में है क्या जो लोगों की भीड़ उसके पीछे रहती है। बस यही बात थी, यही जिज्ञासा उसके मन परिवर्तन की शुरुआत थी। और जकेउस जब यीशु के रास्ते में जाता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु से उसकी मुलाकात होती है और प्रभु उसके घर में आना चाहते हैं, उसे निवेदन करते हैं कि हे जकेउस नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। और वो उसके घर में जाते हैं, वो कहने लगता है कि मैं सबसे पहले अपनी संपत्ति बेचकर आधी गरीबों में बांट दूंगा, जिसको मैंने ठगा है उसका 4 गुना वापस लौटा दूंगा। और प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। तो ऐसे अनेक किस्से, अनेक बातें, अनेक घटनाएं हमारे जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे आस पड़ोस में घटती हैं। कुछ लोगों के मन परिवर्तन होते हैं तो कुछ के नहीं होते हैं। कुछ लोग जब इतना इकट्ठा करने के बाद रोग शैया पर होते तो उन्हें पछतावा होता है कि हमने इस धन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसे बचा कर रखा है, मरना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर से कहते हैं किसी तरीके से जितना मर्जी पैसा ले लो लेकिन मुझे बचा लो, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। तो इस अमीर व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा था, उसके जीवन में भी ऐसा ही था। उसने बहुत इकट्ठा किया, एक दिन वो भी बीमार पड़ गया, वो लगभग मरने को था। और ऐसा हुआ कि मृत्यु उसके सामने आके खड़ी हो गई और कहने लगी, चल भाई मैं तुझे लेने आई हूं, तेरा समय हो गया है। ये इंसान आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, मुझे लेने आई हो? ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने जो इकट्ठा किया उसका आनंद ही नहीं लिया है। मृत्यु ने उससे कहा, अब चाहे तुमने आनंद लिया हो या ना लिया हो, तुम्हारा समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने आई हूं और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह व्यक्ति निवेदन करता है कि मुझे 1 महीने का समय दे दो, मुझे 1 महीने का समय दे दो और इसके बदले में मेरी आधी संपत्ति तुम ले लो, लेकिन मुझे 1 महीना दे दो ताकि मैं अपने जीवन के शौक पूरे कर सकूं, मैं अपने जिंदगी में जो कमाया है उसका आनंद ले सकूं। मृत्यु कहती है, 1 महीना तो क्या, मैं तुझे 1 दिन भी नहीं दे सकती हूं। पुनः उससे कहता है, ऐसा करो कि मेरा 90% संपत्ति का हिस्सा ले लो और मुझे केवल 1 घंटा भर दे दो। मृत्यु उससे कहती है कि मैं 1 घंटा तो क्या,
मैं तुझे एक क्षण भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तेरा समय पूरा हो चुका है। हम कहाँ पर हैं? क्या हमारा भी यही हाल है? प्रियजनों, आज इंसान दुखी है, जानते हैं क्यों? क्योंकि या तो वो अतीत में रहता है और या वो भविष्य में रहता है। अतीत में जो खो दिया है उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा चिंतित रहता है, जिसको कि वो प्राप्त नहीं कर सकता है, और भविष्य की चिंता ये करने लगता है कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए बटोर के रखूंगा, अपने बच्चों के लिए कमा के रख देता हूं। किसी किसी माँ बाप ने चार चार प्रॉपर्टीज बच्चों के लिए खरीद के रखी हैं और खुद ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर, प्यारे भाइयों और बहनों, ढंग का बिस्तर नहीं है, जहां उन्हें एक प्याला भर पानी नहीं मिलता है, जहां उन्हें कोई भोजन देने को नहीं है, उन्हें अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है। ये बुढ़ापा, प्यारे भाइयों और बहनों, आशीर्वाद भी है जो इसको आशीर्वाद समझते हैं, और कुछ लोग जो अपने जीवन की इन सारी बातों में मशगूल रहते हैं उनके लिए एक श्राप सा भी लगता है। जब ये बुढ़ापा कटता नहीं है ना, जब बच्चों से अलग हो जाते, अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है, बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और अपने अपने परिवारों के साथ इधर उधर जीवन व्यतीत करते हैं, घर में बेचारी बूढ़ी माँ या बूढ़ा पिता पता नहीं कैसे ठोकरे खाता, लाठी के सहारे चलता, पानी देने के लिए कोई भी नहीं रहता है। आज ये वचन आपसे सवाल करता है कि आपने जो कमाया किसके लिए कमाया? आपके जो आंगन के फल थे उन्होंने आपको धोखा क्यों दे दिया? धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन के पीछे दौड़ना बुरी बात है। धन हमारे जीवन में जरूरी है, जीविका चलाने के लिए, और हमारे जीवन में जो बुनियादी चीजें हैं उनका उपभोग करने के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन यदि यह केवल हमारे जीवन की प्राथमिकता बन जाए तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी अवश्य है। कितने बूढ़े माता पिता आज अनाथ आश्रमों में पड़े हुए हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत होती है, जब वे फोन करते हैं, फादर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बड़े कष्ट में हैं, हमारा बेटा हमको छोड़कर चला गया है, हम पति पत्नी, हमारी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम अपने नाती पोतों को देखने के लिए तरस जाते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। अब हमें आभास होता है कि हमें यह सब नहीं करना चाहिए था, हमने जो कमाया सारा बेटे के नाम पर कर दिया है और बेटे ने हमें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, और कड़वे घूंट कुछ लोग पी के शांत रहते हैं। आप जानते हैं इस बात को। आप उन लोगों से पूछ के देखिए कि जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए माता पिता, बाइबल हमें बताती हैं कि बचपन से ही अपने पुत्र या पुत्री को लगाम लगा के रखो, छड़ी लगाते रहो, उतना ही प्रेम करो जितना आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उन्हें ताड़ना दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी लाठी बनेगा, अन्यथा वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि कहा गया है कि घोड़े को वश में रखने के लिए लगाम की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आंखों पर दोनों ओर पट्टी लगाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए ये बुनियादी संस्कार बच्चा घर में सीखता है। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, अगर हमारे जीवन में कोई बात आई है तो क्या ये हमारे कर्म का फल नहीं है? ये एक मनन चिंतन का विषय है कि हमने जो बोया है उसे ही हम काटते हैं। मैं याद करता हूं, जब मैं छोटा बच्चा था तो पुराने जमाने में, आज से लगभग कई साल पहले, 5वीं 6वीं क्लास में जब हम पढ़ा करते थे तो टीचर हमें 2-4 थप्पड़ मार दिया करता था।
हम गलत काम करते थे तो हमें बहुत ताड़ना दी जाती थी, कभी कभी क्लास में दंड दिया जाता था और हमें पिटाई भी मिलती थी, और हम डर के मारे अपने माता पिता से कभी कहते नहीं थे। वो मार प्यारे भाइयों और बहनों आज भी हमें याद है, और उसी की बदौलत आज प्यारे भाइयों और बहनों हम इस मुकाम पर हैं। आप में से कई लोगों ने अपने गुरुजनों से ताड़ना पाई होगी, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप आने वाले भविष्य का सत्य का कमर बंद कस करे सामना कर सकें। वे बच्चे जिन्होंने अपने गुरुजनों से प्यार पाया, ताड़ना पाई, आज वो अपने जीवन में सफल हुए हैं। जो संस्कार उन्हें मिले उनके तहत वो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं, क्योंकि ये बुनियादी चीजें, बुनियादी संस्कार व्यक्ति अपने घर से सीखता है। घर इंसान की प्रथम पाठशाला है, स्कूल नहीं। स्कूल तो बच्चा 2.5 साल या 3 साल के बाद जाता है, और इन 2.5 और 3 सालों में जो बच्चा सीखता है, जो संस्कार सीखता है, ये उसके बुढ़ापे तक काम आते हैं। अगर आपने प्यार सिखाया है तो प्यार सीखेगा, यदि उसको आपने थप्पड़ मारना सिखाया तो थप्पड़ मारेगा, यदि आपने उसको गाली देना सिखा दिया तो गाली देगा, और एक दिन आपको ही गाली दे देगा, आपको ही गाली दे देगा। माता पिता बच्चों से प्यार करें, अवश्य करें, वो आपका लाडला है, आपने उसको कोख में पैदा किया है, आपने उसको जन्म दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ उसको तराशना, उसको संवारना, सजाना, उसको नैतिकता सिखाना, आध्यात्मिकता सिखाना, विश्वास सिखाना, संस्कार सिखाना, ये किसी और का काम नहीं, ये माता पिता का काम है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो बात यहां पर थी कि क्या व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। मैंने दो घटनाएं आपसे शेयर करी, मैंने दो घटनाएं आपसे साझा की, और इन दोनों घटनाओं में हमने देखा कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर उसने गेहूं बोया है तो गेहूं काटेगा, दूसरी फसल नहीं काटेगा। बाइबल हमें बताती है, स्तोत्रकार कहता है कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें चंगा किया, अपनी कृपा को तुम्हारे ऊपर बनाए रखा है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप में प्रेम बना रहे, ईश्वर की आशीष बनी रहे, आपके बच्चे आपका आदर करें, आपके बच्चे आपकी सेवा करें, तो आप उन्हें सेवा करना सिखाइए, आप उन्हें सेवा करना सिखाइए, आप उन्हें मीठा बोलना सिखाइए, आप उन्हें विश्वास करना सिखाइए, आप उन्हें मेहनत करना सिखाइए, आप उन्हें मेहनत करना सिखाइए, आप उन्हें आदर करना सिखाइए, और वो आपके बुढ़ापे की लाठी, आपके बुढ़ापे का सहारा अवश्य बनेंगे। ये सब चीजें कैसे होंगी? इसलिए माता पिता को अपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करते हुए आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं तो प्रार्थना एकमात्र माध्यम है इस आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जो हमारे हृदय से उत्पन्न होता और हमारे मन को, आत्मा को, हृदय को शांति प्रदान करता है। और जब व्यक्ति मन से शांत है, हृदय से शांत है, आत्मा में वो शांति महसूस करता है, तो उसके घर में भी ऐसा ही होगा, उसके घर में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रभु की इबादत से भरा हुआ हृदय, उसके प्रति विश्वास से भरा हुआ हृदय, उसके प्रति प्रेम से भरा हुआ हृदय नित्य प्रतिदिन अच्छी बातों के विषय में सोचता है, आध्यात्मिक बातों के विषय में सोचता है,
और उसके जीवन में ईश्वर की आशीष आती है। इसलिए जो विश्वास से भरा होता है उसे चिंता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो सकारात्मक सोच के साथ जीता है और वो यही कहता है कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। परंतु यदि आप चिंता करते हैं, यदि आप हमेशा इन्हीं बातों के विषय में सोचते रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमेशा अगर इन्हीं बातों की सोच में रहते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया, मेरे बच्चे को कुछ कर दिया, तो आप शांति को महसूस नहीं करेंगे, अपने जीवन में सुकून महसूस नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु से जुड़ना, वचन के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से। तो प्रियजनों, यदि आप चिंता करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप सच्चे हृदय से प्रार्थना नहीं करते हैं, और यदि आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज का ये वचन मेरे और आपके उद्धार का कारण बने, मेरे और आपके मार्ग को प्रशस्त करे। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप लोगों को अगुवाई प्रदान करें, आपके घर में सदा प्रभु की आशीष बनी रहे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना कभी ना छोड़ें। जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में इबादत होती है, जिस घर में लोग एक साथ बैठकर धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है, आशीष देता है। इसलिए अ डे विदाउट प्रेयर इज अ डे विदाउट ब्लेसिंग, अ डे विदाउट प्रेयर इज अ डे विदाउट ब्लेसिंग, एंड अ लाइफ विदाउट प्रेयर इज अ लाइफ विदाउट पावर। अर्थात एक दिन प्रार्थना के बिना, एक दिन आशीषों के बिना वो दिन रहेगा। अगर आपका दिन प्रार्थना के बिना बीता है तो समझ लेना कि उस दिन आपके घर में आशीष नहीं है, उस दिन में आशीष नहीं है। और अगर आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा जीवन प्रार्थना के बिना बीता है तो आपके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं था, कोई अनॉइंटिंग नहीं थी, कोई मसा नहीं था, कोई अभिषेक नहीं था। इसलिए प्रियजनों, मसीह लोगों को विशेष तौर पर ईश्वर से जुड़े रहने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु में रहकर सेवा के कामों को करने की आवश्यकता है। अगर आप प्रेम बोएंगे तो आपको प्रेम आपके पास लौट कर वापस आएगा। यदि आप गुस्सा, क्रोध, अनादर बोएंगे तो यही आपको वापस मिलेगा। ये जिंदगी के सच्चाइयां हैं, ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं कि इंसान जो बोता है वही लुनता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे, हम प्यार बोना सीखें, विश्वास बोना सीखें, भरोसा बोना सीखें, लोगों का आदर करना सीखें, ताकि इनके बदले में हमें भी लोग प्यार कर सकें, हम पर विश्वास कर सकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। हे मुक्तिदाता यीशु प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। जीवन देने वाले पिता, शांति देने वाले प्रभु, चंगाई देने वाले ईश्वर, तू हमारे घावों पर पट्टी बांधता है और हमारे घावों को चंगा करता है। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें चंगाई प्रदान करे। हमने जो मांगा उसमें हमारी नहीं, तेरी पवित्र इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आए, चंगाई आए, शांति आए, तेरे इन बच्चों के जीवन में। हे प्रभु यीशु, इन्हें आशीष प्रदान कर दीजिए। जो वचन इन्होंने सुने हैं अपने जीवन में आत्मसात करें,
और अपने बच्चों को विश्वास, प्रेम, सहनशीलता, विनम्रता का पाठ पढ़ाते जाए। धर्मशास्त्र की शिक्षा पर मनन चिंतन करते हुए ये अपने नाती पोतों बच्चों को सिखाए। तेरे प्रेम की चर्चा इनके साथ करते जाए, जिससे कि ये अपने जीवन में तेरी दया का अनुभव करें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमेन।